नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रखते सफर कमर पर डाले, सर पर टोपियां टटकाए, कतार बनाए चलते तबलीगी जमात के अफराद, दूर ही से पहचाने जाते हैं। गुज़श्ता माह भी वो इसी अंदाज में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और देहात में दाखिल हुए, ताहम इस मरतबा इनकी आमद ने मुकामी अफराद में तशवीश और बेचैनी पैदा की। हाल ही में पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक ऐलान के जरिए मकीनों को दो बड़े खतरात से आगाह किया गया। इनसे कहा गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए बैरून ममालिक खसूसन स्पेन और इटली वगैरह से वापस आने वालों से हाथ नहीं मिलाना, और दूसरा ऐलान ये भी किया गया कि तबलीगी जमात के जो लोग देहात में नजर आए इनसे भी बचा जाए। सुबह पंजाब में लाहौर के बाद गुजरात में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। जिला गुजरात से लोगों की एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क भी आबाद है। टोलियों की शक्ल में तबलीगी जमात के अरकान मार्च के दूसरे हफ्ते के आखिर में लाहौर में रायवंड के मुकाम पर वाकया तबलीगी सेंटर में होने वाले एक इज्तम में भी शरीक थे। वहां से और इसके बाद के दिनों में भी वो तबलीगी मिशन पर निकलते रहे। तबलीगी जमात से निकलने वाली टोलियां जब तक अपने मुकर्रर करदा इलाकों तक पहुंची और अपना काम शुरू किया तो हालात यकसर बदल चुके थे। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ चुकी थी और पूरा मुल्क लॉकडाउन की सूरत हाल में चला गया था। इन्हीं दिनों इस्लामाबाद में तबलीगी इज्तम से निकल कर आने वाले चंद अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। मुकामी इंतजामिया ने वो पूरा इलाका करंटीना कर दिया और यके बाद दीगरे दो मजीद मोहल्ले इन्हीं वजूहत की बिना पर बंद कर दिए। इन वाकया ने आवाम के साथ साथ महकमा सेहत के इदारों में भी तशवीश पैदा की कि क्या इनकी बदतरीन खदशात दुरुस्त होने जा रहे थे। लाहौर की जिले इंतजामिया और पुलिस के मुताबिक रायवंड के तबलीगी इज्तम में 2 लाख से जायद अफराद शरीक हुए थे, जिनमें बैरून मुल्क से आए लोग भी शामिल थे। वो 2 रातें और 3 दिन वहां रुके थे। इसके बाद इनकी हल्का बंदियां हुई और वो बसों पर सवार मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरफ कूच कर गए। इस वक्त तक चीन, ईरान, यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया भर में ये साबित हो चुका था के कोरोना वायरस इज्तमात के जरिए बेइंतहा तेजी से फैलता है, तो क्या तबलीगी जमात के इज्तम के दौरान भी हो सकता है ऐसा हुआ हो? हुकूमत पंजाब ने रायवंड में तबलीगी मरकज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। वहां मौजूद सैकड़ों अफराद में से सिर्फ 50 अफराद को ताहाल टेस्ट किया गया है और 27 में कोरोना वायरस पाया गया है। लाहौर के CCPO जुल्फिकार हमीद का कहना है कि रायवंड मरकज में एक वक्त में 2 से 3 हजार अफराद का रहना कोई मुनफरद बात नहीं थी। इस बात की तस्दीक डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दानिश अफजल ने भी की कि इस वक्त भी तबलीगी मरकज में 2 से 3 हजार अफराद मौजूद थे, जिनमें 600 के करीब गैर मुल्की थे। इनका कहना था ज्यादातर अफराद को इसी मरकज में करंटीना में रख लिया गया था, जबकि चंद को काला शाका को करंटीना मरकज भेज दिया गया था। ताहम जब तक हकूमत हरकत में आई इस वक्त तक मरकजी इज्तम में और इसके बाद के दिनों में भी तबलीगी टोलियों को मुल्क भर में फैले और अपने काम का आगाज किए चंद रोज गुजर चुके थे। अब हकूमत के सामने जो सूरत हाल है वो ये है कि इन तबलीगी टोलियों में कितने अफराद शामिल थे, वो कितने इलाकों में फैल चुके हैं, इन्हें कैसे तलाश किया जाए और कहां रखा जाए। लाहौर के इलाके सदर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गजनफर शाह ने भी कहा कि तबलीगी जमात की तरफ से फराम करदा अदादोशुमार के मुताबिक इज्तम के बाद से अब तक इनके 20 हल्के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरफ निकल चुके हैं। इनका कहना था कि एक हल्के में लगभग 100 अफराद शामिल होते हैं। तबलीगी जमात की हल्का बंदी सरकारी तौर पर जिली सतह पर बने हल्कों से मुख्तलिफ होती है। तबलीगी जमात का एक हल्का किसी एक डिवीजन में भी जा सकता है और हो सकता है कि एक हल्का तकसीम होकर एक डिवीजन के अंदर मुख्तलिफ अजला में चला जाए। SP सदर गजनफर शाह का कहना था कि मार्च में होने वाला इज्तम इन 3 सालाना इज्तम में से एक है जो तबलीगी जमात मुनकद करती है और इसमें ज्यादातर जमात के मुस्तकिल अरकान शरीक होते हैं। इन अदाद व शुमार के मुताबिक रायवंड मरकज से निकलने वाले 2000 के करीब तबलीगी जमात के मेम्बरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग की गर्ज से मौजूद थे। सुबह पंजाब के शहर कसूर में एक तबलीगी मरकज में 100 से ज्यादा अफराद को करंटीना किया जा चुका है। इस तरह लैया में भी मुकामी तबलीगी मरकज में एक रुकन में वायरस की तस्दीक हुई थी, ताहम वो पुलिस अफसर को छुरी के वार से जख्मी करने के बाद भाग गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। सुबह पंजाब के शहर गुजरात के डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद का कहना है कि जिला गुजरात में तबलीगी जमात के 78 अफराद मौजूद थे। इनमें से कुछ को एक मरकज जबकि दीगर जिन मसाजिद में थे इन्हें वहीं करंटीना में रखा गया है। इनमें से 13 के नमूने टेस्ट के लिए भिजवाए जा चुके हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अब तक कितने
तबलीगी अरकान में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना से मुतासर होने वाले तबलीगी जमात के अरकान की सबसे बड़ी तादाद सुबह सिंध के शहर हैदराबाद में सामने आई है। सिंध के वजीर सेहत के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि मंगल के रोज तक हैदराबाद में तबलीगी मरकज में मौजूद 94 अफराद जबकि कराची में 8 अफराद को कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। इनका कहना था कराची में एक ऐसे शख्स की मौत भी हो चुकी है जो तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करके लौटा था, इसके बेटे में भी वायरस की तस्दीक हुई है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत के मुताबिक एबटाबाद में मंगल के रोज तक तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी थी जबकि एक शख्स हलाक हो चुका था। इस तरह जिला मर्दान और वजीरिस्तान में भी तबलीगी जमात के अरकान मौजूद थे। सुबह पंजाब में अब से ज्यादा तादाद रायवंड मरकज में सामने आई है जहाँ 27 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है जबकि जिन लोगों के टेस्ट किए गए हैं वो बहुत कम है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजल के मुताबिक तबलीगी मरकज रायवंड काफी वसी और अरीज है और अंदर मौजूद अफराद को टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ इमारतों में अलग अलग कर दिया गया। इनमें से चंद अफराद को रायवंड में मौजूद एक अलग मरकज पर भी मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम SP सदर गजनफर शाह का कहना है कि मरकज के अंदर मौजूद अफराद की सही तादाद मालूम करना भी बाकी है। इनमें खवातीन भी मौजूद हैं और जमात की इंतजामिया के तआवुन से बंदोबस्त किया जा रहा है कि तमाम अफराद की गिनती की जा सके और इसके बाद इनको बेहतर तरीके से आइसोलेट किया जा सके। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक ताहाल रायवंड में तबलीगी जमात के सिर्फ 50 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। नाज़रीन आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि तबलीगी जमात कैसे काम करती है और इस पर तशवीश क्यों। तबलीगी जमात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। का सबसे बड़ा इज्तिमा बांग्लादेश में होता है। जमात में तबलीगी टोलियों की तश्कील का खास तरीकाकार मौजूद है। ताहम बुनियादी तौर पर टोलियाँ जिला की सतह पर मराकज में तश्कील दी जाती है। तबलीग के इस कायम के दौरान वो सड़कों का गश्त भी करते हैं और लोगों के मस्जिद आने की दावत के साथ साथ इन्हें दीन के बुनियादी अरकान जैसे नमाज का सही तरीका और दीगर मसाइल के बारे में आगाही भी देते हैं। तमाम अमल के दौरान तबलीगी जमात के लोग मुकामी इलाके में रिहाइश पजीर ज्यादातर अफराद के साथ मिलते जुलते और राबता करते हैं। यही वजह है अगर एक तबलीगी मेंबर में कोरोना की तस्दीक हो तो पूरे इलाके को बंद किया जा सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत तबलीगी टोलियों को कैसे तलाश कर रही है जबकि तबलीगी जमात के मेंबरान भी हुकूमत और इंतजामिया से तआवुन कर रहे हैं और वह अपने लोगों का पता दे रहे हैं। यही तरीकाकार इन अफराद के लिए भी अपनाया जाता है जो तबलीगी इज्तिमात में शरीक हुए इनमें अलामात जाहिर होती हैं। इसके साथ ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से इनके राबते में आने वाले अफराद का पता लगाया जाता है। नाज़रीन अब बात करते हैं कि तबलीगी इज्तिमा को रोका क्यों नहीं गया। CCPO जुल्फिकार हमीद के मुताबिक मार्च के दूसरे हफ्ते में होने वाला इज्तिमा बुनियादी तौर पर 5 रोज होना था जिसे 2 रातों के बाद ही ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन क्या इन 2 रातों को भी बचाया जा सकता था। SSP सदर लाहौर गजनफर शाह। SSP लाहौर कहते हैं कि तबलीगी जमात के लोगों से इस बात पर बात कही गई थी। ताहम उन्होंने कहा था कि इन तमाम इंतजामात पहले से ही हो चुके थे। बसों के किराए अदा किए जा चुके थे, रिहायशगाहों का बंदोबस्त हो चुका था और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थी। ताहम इज्तिमा की पहली रात और दूसरी रात भी बारिश हुई और मैदान पानी से भर गया। इसके बाद इज्तिमा को महदूद कर दिया गया था। नाज़रीन क्या किसी हिकमत अमली के तहत तबलीगी जमात को निशाना बनाया जा रहा है। तबलीगी जमात के चंद रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुख्तलिफ इलाकों में तबलीगी जमात के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है और तशद्दुद भी किया जा रहा है। मैसेज TV नामी एक सोशल मीडिया के चैनल पर तबलीगी जमात के रहनुमा नईम बट ने चंद तस्वीर भी दिखाई जहां मुबैना तौर पर पंजाब के कुछ थानों में तबलीगी जमात के अराकीन को हथकड़ियां लगा कर रखा गया था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अराकीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अलामा ताहिर अशरफी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपोगंडा काबिले मुजम्मत है। अपने बयान में उन्होंने वजाहत करते हुए बताया कि तबलीगी जमात का इज्तिमा इस वक्त हुआ जब हुकूमत लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया था और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच भी हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत ने ऐलान किया तो इज्तिमा ख़त्म कर दिया गया और लोगों को घरों को जाने का भी कह दिया था। इस तरह जो जमातें पहले से निकली हुई थी इन्हें भी घर जाने का कह दिया गया था, जहां इंतजामिया ने कहा कि वो ना जाएं और 14 रोज कायम करें तो इस पर भी अमल किया गया। इनका कहना था कि इस वक्त मुल्क में इत्तेहाद की जरूरत है और हुकूमत तबलीगी जमात को निशाना बनाए जाने का नोटिस ले। आपसे पुनः निवेदन है कि इन तहमतबाजों से कम 500 मीटर की दूरी बनाकर सामाजिक दूरी का निर्वहन करें, अन्यथा आपके साथ हिंदुस्तान भी संकट में पड़ सकता है। इन्हें अपने पास बिल्कुल नहीं फटकने दें। इनसे खरीदारी करने में भी सावधानी बरतना जरूरी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।